मजा आ गया होगा। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी। ओके, हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊं इसकी तो। क्या हुआ, ड्रॉप कर दिया ना? अरे ड्रॉप कहाँ से करूंगा यार, रास्ते में ही आंटी और संध्या ने मुझे देख लिया। ये तो शुक्र है कि मैं बच गया। यार तू इस तरह के काम करता क्यों है? सुबह जाके ड्रॉप करता है, शाम को पिकअप करता है। तू क्या गवर्नमेंट की बस है? सुन यार, प्यार करना हो तो ये करना जरूरी है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो प्यार करना ही बेकार है। हफ्ते में एक दिन बीच, सिनेमा, ऐसे ही कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। इससे भी जरूर क्या है पता है, अगर उसके घर में कोई फोन होना तब तो कोई बात ही नहीं। हर 10 कदम पर पब्लिक बुत क्यों है? इसीलिए तो है, वहाँ एक्सटेंड कर करके बात करते रहेंगे ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्या है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा। ये सेलफोन, SMS, ईमेल, इंटरनेट, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है ना, ये सब हमारे लिए तो डेवलप करते हैं। ये जो है ना, बिल्कुल नया ज्ञान है, एक्सपीरियंस करो तो जानो। ये तुम नहीं समझोगे, पीछे कोई बैठ ना पाए इसलिए बाइक में सीट भी नहीं लगाई तूने। तुझे तो ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, कम से कम पेट्रोल तो बचेगा। ए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई प्यार ना करता हो। तो क्यों प्यार से नफरत करता है यार? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अबे चुप हो जा खजूर, प्यार को बेकार में बदनाम करते हैं। अभी तक तो अच्छा खासा था, लेकिन अचानक ये लव कहाँ से आ गया बे? रोज बस में किसी लड़की के पीछे जाओ तो कहने लगते हैं प्यार है। किसी लड़की के साथ बीच या सिनेमा जाकर आएंगे उसे भी प्यार कहेंगे। अगर दूर से किसी लड़की को देखते रहेंगे तो वो भी प्यार है, मगर पास में जाकर उसे आई लव यू कहने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। अगर पूछें तो कहते हैं नजरों का प्यार है। ये क्या यार, गिरते को सहारा देने पर भी प्यार बोलते हो? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तो छोड़ो, सड़क पे जाते समय एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? अगर किसी ने पूछ लिया बस हो गया, फिर उसके एड्रेस की वजह ये भागने लगेगा। नहीं, ये सब तो फिर भी सहन हो जाता है। वहाँ देखो, अरे रे 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 रे, कैसे मसल रहा है, जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है। तेरे आने से 1.5 घंटा पहले ये लोग आए, तब से ये लोग बात तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके हाथ पैर बहुत बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस में ऐसा क्यों करते हो, जाकर पूछो तो। वी आर ट्रू लवर्स, लवर्स ऐसे ही रहते हैं। तुमने जो कहा ना, ये इंटरनेट और ईमेल, उस पे चैटिंग करके अब डेटिंग तक पहुंच गए हैं। मगर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, अब मुझे देखो। अरे यार तू तो बहुत शरीफ है ना, गाड़ी के पीछे लड़की को बैठा कर रास्ते में लड़कियों से बोलता है आई एम राहुल, आई एम ए बैचलर, बोल के लाइन मारता फिरता है।
ये इश्क जो होता है ना, वो यहां से नहीं आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। अब जा और जाकर अपना कुछ काम करो। इससे बात करने से अच्छा है भैंस के आगे बीन बजा लो। ए, रात को पिक्चर जाएंगे, जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। ए, कॉफी नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, तुम दोनों मिल। राहुल, तेरे लिए ब्लू, मेरे लिए येलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हे, देखना सर आ रहे हैं। होय, मुझे दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हो। स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है, साइड में होके जाओ ना। घूर क्यों रहे हो खड़े रह के? कॉलेज में आकर पढ़ते ही नहीं हो, ऊपर से पढ़ाने वाले की इज्जत भी नहीं करते हो। हाँ वो सब हम जानते हैं, बेल बज गई है, क्लास में जाओ। अरे पढ़ लिख कर तुम क्या बनने वाले हो? जाके किसी होटल में। वो यही है क्या? सुबह ही आके चला गया। ये फाइल ले जाकर संध्या के बाप को दे देगा। क्या हुआ, तुम जाओगे या मैं खुद ले जाके दे दूं? रहने दो, मैं ही दे दूंगा। ए गौतम, उस दिन जो बोला उसे मन में मत रखना, हमेशा की तरह घर आते रहना, ठीक है ना? ठीक है। क्या बात है गौतम, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, बहुत बिजी थे क्या? आज अचानक आप घर में कैसे और मुझसे पूछ रहे हो? ए देखो गौतम आया है, जरा चाय लाना। और राहुल के पिताजी कैसे हैं? हमेशा एडवाइस देते होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम लोग भी सुधरोगे नहीं? अच्छा अंकल, मैं निकलता हूँ। अरे रुको ना, चाय बोली है ना। ए चाय का क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी आंटी को कभी कभी ठीक से सुनाई नहीं देता है। हाँ, जैसे आपको सुनाई देता है, हर बात का जवाब रखता है। इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तू कब आया गौतम? अभी आया। क्यों, इसके लिए चाय लाने के लिए मैंने कहा कितनी देर हो गई, और हिलती डुलती आके पूछ रही कि कब आया? आपने कब बोला? मन में ही बोलोगे तो मैं कैसे जानूंगी? क्यों री, मन में बात करने वाला मैं कोई पागल हूँ? क्या हुआ, तुम्हारे अंकल का स्क्रू ढीला हो गया? हाँ हाँ, बोलेगी क्यों नहीं, जा जाके भला, मैंने तुझसे जो शादी की इसीलिए अब मैं भुगत रहा हूँ। आप एक दिन घर में रहकर मेरी जान क्यों निकालते हो? कौन कौन तुम्हारी जान निकाल रहा है? फिर से शुरू हो गए, मुझे चाय चाहिए ही नहीं, ये लड़ना बंद करोगे? आंटी जाके अपना काम करो, जाओ ना। जब भी कोई आता है ऐसे ही करते हैं। अब जाइए ना, मैं नहीं होता तो हाथ ही उठा देते। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना, और ये बढ़िए। हाँ, अब मैं चलूं। मेरे जाने के बाद कुछ बोलना नहीं, नहीं तो मार खाओगे। हाँ आजा। चल तेरे से एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अरे कहाँ ना जरूरी बात है। जो भी बात है यही बताना, मुझे काम करना है। ये है सुधाकर, मेरी ऑफिस में ही काम करता है। हेलो हेलो। ये एक लड़के से बहुत प्यार करता है, उस लड़के की शादी कहीं और हो रही है, तो उस लड़के को उठा के ले गया। बस उठा के ले आ, बाकी हम संभाल लेंगे। कॉफी बोल देता हूँ, वो पी के निकल जाओ। ये क्या कह रहा है यार? ए, मुझे केड़ा समझा है? लव करने वाला उठाना नहीं जानता क्या? उसके लिए अलग से आदमी चाहिए, ऐसा खड़ा है जैसे नवाब हो। हमारे बस का होता तो हम नहीं करते क्या? हमारे बस का नहीं, इसलिए तेरे पास आए ना। ए, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तू चुपचाप रह, आज तुझे किसी से मिलवाऊंगी। ये क्या यार, उसे तुझ पर भरोसा करके लेके आया? तो उसी भरोसे के साथ जाने को बोलना, मेरे पास आने से क्या फायदा, मैं क्या दलाल का धंधा करता हूँ? ये क्या बोल रहे हैं, हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ पता है, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे वाह, बच्चा फील कर रहा है। हस्ती लड़की पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रोने वाले लड़कों पर कभी भरोसा मत करना।
आज अपनी ये समस्या नहीं सुलझा पा रहा है, कल ये शादी करके भला क्या सिद्ध कर पाएगा। इस बात को यहीं छोड़ दे, वो लड़की सुखी रहेगी। देख यार, ये सब मत बोल, तू अभी चल रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर यार, मैं संभाल लूंगा। देख गौतम, मैंने प्रॉमिस कर दिया है, मेरे लिए तू चल, आ जा। अरे छोड़ना। अरे चल ना यार। कहा ना छोड़ दे। अरे चल। देख रहने दे, मेरी बात मान ले। मैं तो डर रहा था कि शायद तुम लोग नहीं आओगे। ये क्या बोल रहा है यार, ये तेरी जिंदगी का सवाल है यार, हम कैसे नहीं आते? इन्हें देखने से तो लगता है यहाँ पर ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जरा अपना हाथ तो दिखाना। सॉरी यार। तुम दोनों यहीं पर रुको, तुम आओ। ए, हम भी चलते हैं यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए तो हम दोनों को यहाँ रोक के जा रहा है, और तू है कि बस। तुम जाओ गौतम। जाओ। अभी तो अकेला जा रहा है, लौटेगा अपनी दुल्हन के साथ। कब से प्यार कर रहा है? बहुत किस्मत वाला है। तुझे जलन क्यों हो रही है? कहाँ है? वहाँ ज्यादा किसी से कुछ मत बोलना। तेरे ससुराल वाले कुछ कहे तो उन्हें उल्टा जवाब मत देना। ठंडे दिमाग से काम करना। किससे मिलना है? तुमसे ही कह रही हूँ बेटे, ये लड़की का कमरा है, दूल्हे का कमरा ऊपर है। जानता हूँ, सुधाकर आया। ये सुधाकर कौन है? चलो। ए, कौन है तू? यहाँ आके लड़की को ले जा रहा है? एक मिनट। मुंह से आवाज निकालोगी? आ जाओ। बेटी, तेरे बाप ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हाँ? अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? 5 बजे लड़के वाले सब आ जाएंगे, उससे पहले नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। क्यों, समझ में आ गया ना? आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप जाके सो जाइए। क्या हुआ बेटी, तू अभी तक सोई नहीं? और ये लोग कौन हैं? इस लड़की के पिताजी तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या कर रहा है? मैं खुद भी नहीं जानता। जल्दी चलो, हमें ऑलरेडी देर हो गई है। एक्सक्यूज मी, आई एम राहुल, सेल्स एग्जीक्यूटिव, 20,000। आहा, शुरू हो गया। इधर आना भैया, जरा यहाँ बैठो, तुम सुखी रहोगी। बिना पीछे देखे सीधे अंदर चली। देखो कबाब में हड्डी बन जाता है। अरे तुम क्या कह रहे हो? अरे बोलो ना, पिताजी कुछ पूछ रहे हैं ना। बेटी ये सब क्या है? बेचारी घबरा रही है। ठीक है मैं बोलता हूँ, तुम्हारी बेटी प्यार करती है, जानते हो क्या? समझ में नहीं आया? इधर आओ। इसका नाम है सुधाकर, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है। अरे इधर आओ ना, बहुत ही शर्मिला है। यही है तुम्हारा दामाद। कैसा लगा? क्यों, अच्छा लगा ना? ये सब क्या हो रहा है बेटी? अरे रुको तो सही, पहले मुझे बोलने दो। देखिए कल इन दोनों की शादी है, इसीलिए लड़की ले जाने के लिए आए हैं। सोचा अब लड़की को ले जा रहे हैं, कम से कम एक बार उसके बाप से तो मिला के ले जाए, इसीलिए। तो फिर हम लोगों को आज्ञा दो। ए, क्यों मजाक सूझ रहा है? एक कदम भी आगे बढ़ा के देख। आवाज निकाली तो गला दबा दूंगा। बड़े हो समझकर मैंने इज्जत दी, तुम तो फैलने लग गए। बेटे जरा रुको। बेटे ए, हाथ हटाओ, मुझे समझाना चाहते हो? जो भी बोलना इनसे बोलो। क्यों री मनहूस, जो कुछ करना था करके अब बिल्कुल अनजान बन के यहाँ पे खड़ी है। मेरी बात सुनो बेटे, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूं,
मेरी बेटी की कल सुबह सुबह शादी है। यहाँ अचानक आकर कहते हो कि मेरी बेटी ले जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तू तो ले जाके शांति से जिएगा। और हम लोग क्या जहर खा के सो जाए? वो सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता हूँ, वो मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं। ए, तू कैसा इंसान है? प्यार करता हूँ बोल रहा है, ये शादी से पहले आके बोलना चाहिए था ना। उस वक्त चुपचाप बैठ गए जब हमने निमंत्रण बांट दिए और कर्ज लेकर सारा इंतजाम कर दिया, तब तुम चार पांच लोग यहाँ रात में आकर बेटी को उठाकर भाग जाओगे और हम माँ बाप लोग अपना सर झुकाकर खड़े रहे। मैं आज तक अपने बाप के अलावा किसी और के पैरों में नहीं गिरा। अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, इस बाप की विनती सुन लो भैया। बेटे, लक्ष्मी तुम मेरे साथ चलती हो या नहीं? बेटे बेटे, मेरी बेटी को छोड़ दो भैया भैया। एक मिनट, तुम सो उम्र में बड़ा, तुम्हारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहा है, उस पर तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? ऐसे परिवार में से तुम उनकी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हो, ये गलत है ना? मैं कौन हूं ये तुम नहीं जानती? तुम्हारे बाप को मारने के लिए गया, रोकने की कोशिश नहीं की? 20 सालों तक जिस आदमी ने तुम्हें पाला, 2 महीने से जिसको जानती हो, उसके पैरों में गिर के वो रो रहा है और तुम देख रही हो। तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने प्यार की चिंता है। प्यार करना ही काफी होता है। प्यार, ममता, सहनशीलता, दूसरों के लिए त्याग, ये सब जो है सच्चे प्यार की नींव होती है। इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, और तुम लोग प्यार करके शादी करके क्या उखाड़ने का सोच रहे हो? ऐसे ही भाग के शादी करके कल जब तुम्हारा बच्चा होगा, वो बच्चा तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा, ये बात मत भूलना। प्यार के लिए अपने माँ बाप को लात मार के जा रही हो, सिर्फ एक बार माँ बाप के लिए अपने प्यार का त्याग करके देखो ना। उनके दिल को दुख पहुंचाकर तुम क्या समझती हो तुम खुश रह पाओगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे आओ ना, चलो, तुम्हारी फिल्म का दी एंड हो गया है। अरे मुरझाओ मत यार, दुनिया में अकेली लड़की है क्या? तुम्हारे स्मार्टनेस को हजारों लड़कियां मिलेंगी। अगर नहीं मिली तो एक सुंदर सी लड़की देकर मैं खुद शादी करवा दूंगा। अच्छा, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, बाप के आंसू देकर मन बदल गया ना। ये क्या, तुम दोनों अकेले आए हो? वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? हाँ, सब सत्यानाश हो गया।
मैंने खुद जाकर हाथ जोड़कर लड़की मांगी होती तो शायद दे देते। तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे पास आया, और तू ये तेरा दोस्त है इसलिए इसे लेकर आ गया। आहा, बात बने ना बने, लेकिन अंदर जाकर इसने पासा ही पलट दिया। हा? जो मेरे साथ चलने को तैयार थी उसे एडवाइस देकर बाप की गोद में बिठा दिया। ए, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जींस पहनने वाला शकुनी है। जिंदगी में मैं भले ही सबको भूल जाऊं मगर इसे नहीं भूलूंगा। ये क्या यार? ए शकुनी, हाँ? तुझे ही बोल रहा हूँ, तूने मुझे दुख पहुंचाया है, एक दिन देख लेना तू भी मेरी तरह प्यार में तड़पेगा, जरूर तड़पेगा। आखिर अंदर हुआ क्या बताना? लड़की अपने माँ बाप से जाकर मिल गई, वो उसका गुस्सा मुझ पे उतार रहा है। नहीं, तूने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। हाँ मैंने की। मालूम था ऐसा ही कुछ। मुझे ऐसे कामों के लिए मत बुलाओ, मैंने शुरू में कहा था, लेकिन तुमने जोर देकर बुलाया तो मैं आ गया, इसमें मैं क्या करूँ? अब तेरे लिए वो जरूरी है या मैं जरूरी हूँ? ये ऐसे क्यों बोल रहा है यार? तू टेंशन मत ले यार, देख लेंगे। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, पता नहीं कौन है फोन कर रहा है, बात नहीं कर रहा, उल्लू का पट्टा। गौतम, लगता है कोई हमसे मजाक कर रहा है, फोन मत उठाना। हेलो। हाय गौतम, तुम कैसे हो? हे गौतम, आई लव यू, आई लव यू गौतम। हे, कौन है फोन पे? लगता है रॉन्ग नंबर है, मैंने तो पहले ही कहा था ना। फोन में प्यार करती रहेगी या कभी उसे जाकर बोलेगी भी? बोल सकती हूँ, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा है, कहीं कुछ बोलना दे इसका डर लगता है, वैसे भी उसको लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, सीधे जाकर नहीं बोल सकती है, तू फोन करती है क्या वो जानता है? अरे जा, अगर तू ऐसे ही रहेगी तो उसे कोई और ले जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चुपचाप बैठ, तुझे हर बात मजाक लगती है, इसमें मेरा क्या? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आहा, देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। ए, तुझे से कह रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड आने वाला है यहाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तेरा फ्रेंड क्या थिएटर आने वाला है? ऐसी बात नहीं है, पास में उसका ऑफिस है, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है चल। कहाँ? दम मारने के लिए। अरे नहीं यार, तुझे देरी हो रही होगी, तू निकल। जब तक तेरा फ्रेंड आएगा मैं कंपनी दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं यार, तू निकल। तो यही है क्या तेरा फ्रेंड? ए, सॉरी यार, सॉरी, कुछ बोल के वापस मत भेजना प्लीज यार। हाँ। इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ ओके ओके, बाकी का काम शाम को बताऊंगा, संभाल के जाना। हाँ? उल्लू का पट्टा। ए, कोई छेड़े नहीं वैसे गाड़ी चलाना, नहीं तो मेरे पास भाग के आएगा। अबे क्या है? गौतम, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। गौतम, हे गौतम, ये कभी नहीं सुधरने वाला। क्या हुआ?
धूप में धक्का मारने की मन्नत मांगी है। मुझे देखने से ऐसा लगता है गाड़ी पंचर हो गई है। गाड़ी पंचर हो गई हो तो मैकेनिक के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? क्या ये नहीं जानती हूँ? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? ओफो, प्रैक्टिकल्स के लिए देर हो रही है, पूरे 10 बज चुके हैं, ऊपर से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, कितना टेंशन है मुझे। टेंशन क्यों ले रही हो, बोलो मैं क्या करूँ? मुझे ड्रॉप करके आओ। इस गाड़ी पर कैसे बैठ के जाएंगे? ये ले, जानबूझ के हवा निकाल दी होगी, आ जाओ। ये बताओ तुम स्टाइल से कूलिंग ग्लास पहनते हो ना, कहाँ गया वो? हाँ, खो गया है। खोया वोया तो नहीं होगा, जरूर तुम्हारा चाहने वाला कोई उठा कर ले गया होगा। चुपचाप बैठोगी? ए जरा रुक 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 रुक, क्यों मैडम पहली बार बैठ रही हो क्या? अपने लवर की कमर टाइट से पकड़ लो। क्यों भाई ये सिखाते नहीं हो क्या? ये क्या, वो मजाक उड़ा के जा रहे हैं, तुम चुपचाप गाड़ी चला रहे हो, दो जमा के देने चाहिए ना। चलो उतर, उतर ना ऑटो। लड़कियों के लिए झगड़ा करना ठीक नहीं होता है, तुम आराम से ऑटो में जाओ। तो फिर ये झगड़ा और किसके लिए करेगा? सर 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 सर, क्या है? ये हमारे धंधे की जगह है, वहाँ जाके डांस जाना सर। अरे यार रुक सर, रुक, मेरी रुक, बात मानिए। अच्छा ठीक है, हम डांस नहीं करेंगे, हम वहाँ जाके नाचेंगे। यहाँ तू नाच, नाचना। अबे नाच ना, चल नाच। ये बेचारा बोल रहा है ना, वहाँ जाके नाचो ना। अरे ये देखो हमें सीख देने आया है, तू कौन है? चल तू नाच। अरे नाचना, चल देखता हूँ नाच। ए मेरी बात सुन, लतीश को कोई काम था इसलिए सुबह सुबह चला गया, होटल में दूसरा कोई नहीं है, ऐसे में तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? यार पूछ रहा हूँ ना, तू वहाँ ऊपर क्या देख रहा है? यहाँ तक तो आ गया है ना, तू चलना मैं बताता हूँ। अच्छा किस काम से गया है? किसी जरूरी काम से गया है। ओहो पूछा तो बोलता मैं वही हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे देख क्या रहा है, चल ना। तो यहाँ पे क्यों लेकर आया? माला का आज बर्थडे है, ट्रीट देने के लिए कहा, तेरे बिना मैं कैसे यार, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा फिर कभी मत करना। ये तो क्या बोला यार, उसे दुख पहुँचेगा, वो भी हम में से एक है ना। ये सब तो अपने आप बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलता हूँ। ए कान छोड़ मुझे। तू आ तुझे भी देखता हूँ। मैं पहले ही जानती थी वो यहाँ आया तो प्रॉब्लम होगी ही, पर तुम नहीं माने। कैसा आदमी है वो? हे किसके बारे में ऐसा बोल रही है? मैं तुझे 4 साल से ही जानता हूँ, लेकिन वो और मैं 20 सालों से हैं। कल हमारे बीच अगर कुछ हो गया तो दूसरे के साथ चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। क्या है जरा गुस्से वाला है, बस इतना ही। बड़ी आई उसके बारे में बोलने वाली, अब से उसके बारे में मत बोलना। ए, ले पकड़। चियर्स। ए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, चल पी ना। कुछ भी हो तेरा बर्ताव ठीक नहीं है यार। छोड़ना यार, वो क्या पहली बार कर रहा है, उसके बारे में नहीं जानता, देखना एक ना एक दिन बदल जाएगा। हाँ तेरी तो। ए, उसे क्यों मार रहा है, तू खुद को समझता क्या है? मैं बदल जाऊंगा कह रहा है, क्यों मैं गलत काम कर रहा हूँ? दोनों मिलके मुझे बदलना चाहते हो? इसके आइटम के सामने इसकी बेइज्जती कर दी। बड़ा आया। बेकार की बातें मत कर, तू क्यों ऐसा करता है यही मैंने पूछा, और तू बिना मतलब के बोले जा रहा है। कौन बिना मतलब के बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या तू?
किसी को भी लेकर आ जाता है, फिर बोलता है शादी करा के दे। माला के बर्थडे पे उसे ट्रीट देता है। इन सब के लिए मैंने कहा था क्या? तो खुद करता है, फिर अपने आप में फंस जाता है जब देखो पंगे लेता है। ठीक है ठीक है, फालतू में बातें मत करो, जल्दी जल्दी पी जाओ। हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं और तू किस बारे में सोच रहा है? ए, मैं ही तुझे ले गया था ना, उसके लिए मैंने झगड़ा करने के लिए कहा था। तू सबसे इसी तरह का बर्ताव करता रहे, तू एक दिन देख लेना अकेला पड़ जाएगा। अरे वाह, मुझे श्राप दे रहा है। मुझे अकेले ही रहने दो यार, तुम दोनों चाहो तो एक या तीन चार लड़कियों को बटा लो। तेरे से कौन जीता है यार, ऊपर से शराब भी पी ली है, अब ज्ञान की बातें करेगा। राहुल रुकना यार, कहाँ जा रहा है? हाँ, कहीं भी जाऊंगा। ठीक है जा यार जा, कहीं भी जा, वापस तो यहीं आएगा जब देखो आवेश में रहता है। ए, अब तू कहाँ जा रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं, एक और राउंड पी लेते हैं ना। बेकार की बात का बतंगड़ बना के शराब पीने का मूड खराब कर दिया। चुप। इतनी देर से कहां गया हुआ था? देख लिया ना, महीने में एक बार जब तक तुम्हारी इंसल्ट नहीं होती है ना, तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। आप चुप रहिए, जब देखो कुछ ना कुछ बोलते हैं। सुनिए वो आ रहा है, उसे बेकार में कुछ झगड़ा मत करना। आप कब आए? तुम्हारे बेटे ने कम से कम अब तो मुंह खोला। तुझमें और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ, हंस के बोलूंगा तो शादी की बात करोगे, अभी भी उसी के लिए आए ना। क्यों रे, तू क्या शादी ना करके ब्रह्मचारी रहने वाला है? बात सुनो माँ, जब भी मेरी शादी की इच्छा होगी तब मैं आपको बता दूंगा, तब तक इस बारे में कोई बात नहीं, आपको भी। ये जरूर हार जाएगी, आज मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, अभी देखना। ये बेकार निकली। अरे वहाँ देखो। Hey, just look at that guy, कैसे बाल बना रहे हैं। लगता आज जरूर फंसेगा। ला इधर, मैं जाती हूँ। Hey, जरा संभाल के। Excuse me? हाँ हाँ बोलिए ना। ये एड्रेस कहाँ है बताएंगे? ओ, ये जगह, मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको कोई और काम होगा, मैं चली जाऊंगी, कैसे जाना ये बता दो। नहीं नहीं, इससे जरूरी और कोई काम है ही नहीं, चलिए बैठ जाइए। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, तुम अकेली जा रही हो, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 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 जी, मैं चली जाऊंगी। अरे ऑटो में जाओगी तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। दो तो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात मानिए। हेलो, चल निकल निकल निकल, इनके बारे में मैं नहीं जानती क्या? आज तो जीत गई है, ट्रीट क्या देने वाली है, शाम को पार्टी पक्की ना। अब तो फंसेगी। हे, मैं जिसे बताऊंगी अगर उसे फांस लिया तो 1 more 500। अरे बताना, देख लूंगी। वो देख, ब्लू शर्ट में दाढ़ी वाला जो आ रहा है। ठीक है, अभी देखती हूँ। मैं स्केप हो जाती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस कहाँ है बताएंगे? उसे एड्रेस मत बताना। यहाँ से सीधे जाकर सेकंड लेफ्ट लेंगी, उसके बाद थोड़ी दूर जाएंगी तो राइट साइड में चंद्रा हॉस्पिटल आएगा, वहाँ से ठीक 10वीं बिल्डिंग एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके पूछ ले, वो खुद तुझे छोड़ देंगे, चलट। ये सही किया। हमारी शादी में तुम्हारी एक सहेली आई थी ना, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही है? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो काफी सुंदर थी इसलिए पूछ रहा हूँ। hey.
अभी शादी हुई है क्या? हाँ भैया। ओ टेरी कॉटन है। ये सब क्या ससुराल से मिला है? ये बता, इसे इस तरह से क्यों पकड़ के रखा है? भाग जाने का डर है? घर के अंदर करने वाले सारे काम सड़क पे करोगे, उसके बाद घर जाके क्या करोगे? हेलो, ये क्या कह रहे हो? सड़क में, बाइक में, बस में, सब जगह तुम्हारा ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। तुम तो समझदार हो ना। हेलो, ये मेरी बीवी है, तुम इसे क्यों डांट रहे हो? जानता हूँ यार, मैंने कब कहा कि मेरी है? हाथ हटा। अरे हाथ हटा ना यार। अब जा। जा। ए, इसी तरह से घर तक पहुंचना। जाओ। अबे जा ना। ये भी अच्छा किया। क्या हुआ, आज भी गाड़ी पंचर हो गई? लेकिन गौतम नहीं है, वो तो बाहर गया है। मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझसे? बहुत दिनों से मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट है? गौतम क्या लव फेलियर लड़का है? क्यों जानना चाहती हो? ऐसे ही, उसे लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है ना, इसीलिए। ये बात है, वो तो बचपन से ही लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कॉलेज में हम जब लाइन मारा करते थे तो वो साइड में खड़ा हो जाता था। इसके बावजूद उसके पीछे एक लड़की 2 सालों तक पड़ी रही, लेकिन फिर भी नहीं फंसा। यानी गौतम को प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है? वैसे तो वो प्यार का दुश्मन नहीं है, सच्चा प्यार होगा तो ग्रीन सिग्नल। अच्छा ये तो ठीक है, ये डिटेल्स क्यों ले रही हो? बस ऐसे ही। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब से तुझे या उस लड़के को कुछ नहीं कहूंगा। मेरी गलती है यार, कहो तो सबके सामने माफी मांगू। सर यहां आइए, मैं राम प्रसाद। तुम जाओ। तू क्यों इस तरह से कर रहा है यार? तू मुझसे माफी मांगेगा? कोई तेरे बारे में कुछ बोले तो मुझे दुख होता है, ये बात तो समझता क्यों नहीं? मैं खुद चिंता नहीं करता हूं, फिर तू क्यों चिंता कर रहा है? जा हाफ डे छुट्टी ले ले, बाहर चलते हैं। ऑलरेडी मैंने छुट्टी ले ली है। तो फिर सोच क्या रहा है? दरअसल वो पहले से ही बहुत अपसेट है, उल्टा मैंने भी उसे उस दिन डांट दिया, इसलिए सोचा माला से मिल के आ जाऊं। अगर तू मना करेगा तो नहीं जाऊंगा। जा उसके पास जा। बहुत अच्छा है, मैं तुझे ऑफिस में ढूंढ रहा था और तू यहाँ क्या बैठी हुई है? मुझे ऐसे घुमाने में मजा आता है क्या? ए, क्या हो गया, तू ऐसे चुप क्यों है? आखिर हुआ क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, किस लिए? उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने क्या कहा था? क्या कहा? हम दोनों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं किसी और के साथ शादी करके चली जाऊंगी, ऐसा कहा था ना? लेकिन अब डर लग रहा है कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मैं? वो तो ऐसे ही मजाक में बोल गया, उस बात को सीरियस क्यों ले रही है? ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में मुझ पे बहुत विश्वास रखते हैं। अगर पिताजी को ये मालूम हो गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ये सब जानकर भी हमारी शादी हो पाएगी
या नहीं कुछ पता नहीं। तेरे घर के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात मेरे पिताजी टालेंगे ही नहीं। तुझे अपने घर ले जाकर कहूंगा ये आपकी बहू है, सदा सुखी रहो बेटी, ऐसा बोल के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं और पिताजी बहुत क्लोज हैं। ये समझे बिना बेकार में परेशान हो रही है। चुप रहो ना, ये बात अपने पिताजी से कब बोलोगे? क्यों ना ये बात कल ही उनसे बता दो। पिताजी, मैं माला नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी सहमति से। टांगे तोड़ डालूंगा। उसके सामने तो बहुत बड़ी डींगे मार रहा था, बोल देना चाहिए ना। हिम्मत होती तो बोल देता ना, अब मैं क्या करूं? राहुल, राहुल। क्या है बोलो। संध्या की मम्मी डैडी आए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। उससे भला क्या पूछोगे, ये बात तो हमें ही पक्की करनी है ना। फिर भी एक बार उससे पूछ लेना सही होगा ना। वो क्या मेरी बात को टालने वाला है? ये लो वो खुद आ गया, चाहो तो पूछ लो। राहुल, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहा? संध्या से तेरी शादी, खुश तो हो ना? मैं अभी आता हूँ। वैसे ही बहुत शर्माता है, शादी की बात पे और शर्माएगा। मेरे प्यार को ठोकर मार के पूछते हैं कि मैं खुश हूँ ना। ए, ये जिंदगी का सवाल है, अच्छी तरह सोचना, बोल देना चाहिए, सब कुछ बोल देना चाहिए। अब क्या करे, अगर भाभी होती तो शादी कब की हो जाती। जब बड़े कुछ बात कर रहे हो तो उठ के जाने की क्या जरूरत थी? तब तो आप ही कोई तारीख बोलिए। क्या हुआ, राहुल ने कुछ नहीं बोला, यही सोच रहे हैं? तुझे रिश्ता मंजूर है ना? हाँ? ये मेरी बात कहाँ टालेगा, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? अब तो हाँ कर दी ना, तारीख पक्की करते हैं। क्या हुआ, मुरझाया सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है? जानता था, तेरी शक्ल देखते ही मैं अच्छी तरह समझ गया था। बोल, किसी की शादी करवानी है क्या? नहीं, शादी को रोकना है। ये क्या बोल रहा है? संध्या के साथ मेरी शादी तय कर दी है। ये बात है, ये तो अच्छी बात है ना यार। ए, मजाक मत कर यार, मैं पहले से ही परेशान हूं, तू कुछ भी करके ये शादी रोक दे। तू तो शादी तोड़ने में मास्टर है ना। मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा क्या? ए, मेरी हालत समझना यार, तू पिताजी से बात करेगा तो वो मान जाएंगे। क्या है? चल जा। जैसे जन लोकपाल बिल की बात कर रहे हो। क्या बोला? वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं करता है, ऊपर से ऐसा करूंगा तो उस घर में मेरा घुसना मुश्किल हो जाएगा। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, तू चुपचाप ये शादी कर ले। मैं माला से शादी करूंगा, तू मेरी मदद करेगा या नहीं? तुझे देखने से दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझसे नहीं होगा यार। ओहो, ए, जरा इधर आ। क्या हुआ सर? ये क्या लिखा है? इंग्लिश नहीं जानते क्या? लव इज डेंजरस। वो तो मैं जानता हूँ, इसका मतलब क्या है? यही कि प्यार बहुत बुरा होता है। ये सब किसने बोला? जो प्यार में हार जाते हैं वही ऐसा बोलते हैं। अच्छा बता, बिना गिरे साइकिल सीख पाते हैं क्या, या मास्टर की मार खाए बिना पढ़ाई दिमाग में चढ़ती है क्या? देखो, हर एक बात में हारने से ही जीत मिलती है, ये बात भी जाने बिना। जानते हो, बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो फिर प्यार कैसे पाओगे? गाड़ी में जगह खाली देखी, बस लिख दिया, अब खड़ा क्यों है, चल जाना।
छिपकली जैसा है, गुस्सा तो देखो। एकदम सुपर, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? अरे वो सब छोड़ो, अभी अभी जो मैंने कहा गौतम से मत बताना, चल उठा। पता नहीं क्या पी लिया, इतनी बदबू मार रही है। वो देख बैठा है, वो भी कितना भोला बनकर। ए संभाल के उल्टी मत कर देना। अरे बाप रे, क्या हुआ इसे? क्यों, तू नहीं जानता है? उस चश्मे वाले ने तभी कहा था कि तू जीन्स वाला शकुनी है, उसने सही कहा था यार। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू जा रहा है? क्या हुआ इसे, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया? मेरी बात का बुरा मत मानना यार, राहुल का केस बहुत सीरियस हो गया है। तो इसमें मैं क्या करूं यार? कुछ नहीं यार। ए, कहता है माला से प्यार करता हूं, लेकिन रोड पे कोई और दिखे तो उसके पीछे जाता है, इस पर भरोसा कैसे करूं? वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए करता है, लेकिन माला से सच्चा प्यार करता है, मैं जानता हूं। वो उसके बिना मर जाएगा यार। तेरे सिवा उसका और कौन है यार? ए, सिगरेट लेकर आ। आइए सर, क्या चाहिए? आ, दिल जलाने के लिए एक बड़ा आया पूछने वाला, क्या चाहिए? क्या खा लिया, एकदम बेकार है। और क्या चाहिए? और भला मैं क्या मांगने वाला हूँ, सदा बस तुम्हारा प्यार रहे, और इस वक्त 100 रुपया मिलेगा तो बस। क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या? ये लो। अरे ए, दिमाग नहीं है क्या, बॉटल यहाँ ऐसे रखते हैं क्या? अबे जा उल्लू के पट्टे का, मेरे पता नहीं किसकी औलाद है। ओए क्या हो गया? ये एड़ा कौन है तेरा, दोस्त है, ले जाके भर्ती करा दे, नहीं तो कुत्तों की गाड़ी आएगी पकड़ के ले जाएगी। ए, ए, संध्या, अरे तू कहाँ जा रहा है? हे, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इस तरह से आए? तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या, अकेले में? बिल्कुल बात करेंगे, आ जाओ। मैं चलती हूँ, ठंडे दिमाग से सोच के जो बोलना है बाद में बोल देना। ए, रुक रुक रुक, जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है राहुल। क्या, मैं कैसा सोच रही हूँ? वो किसी से प्यार करता है। वो प्यार करता है, वो ये सब भी करता है, और उसी से शादी भी करेगा। तो करने दो ना। संध्या, ये कोई मजाक की बात नहीं है, घर में राहुल की तेरे साथ शादी की बात चल रही है, क्या तू नहीं जानती? सच में नहीं जानती हूँ, अगर जानती भी होती राहुल से शादी करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे जैसे किसी लड़के के साथ, ये बात अच्छी तरह जान लो। अपने टेंशन दूसरों को देखकर तू यहाँ आराम से सो रहा है?
यार तूने मुझे लात क्यों मारी? अबे उल्लू, अभी अभी संध्या से मिलकर आ रहा हूँ। संध्या से जाकर तू क्यों? ए, तू भी खिलाड़ी है यार। ए, तूने कुछ न कुछ बोल के उसका मन बदल दिया होगा। अरे मैं क्या बदलूंगा, वो खुद ये शादी नहीं चाहती है। वो भी नहीं चाहती? क्यों? हाँ, वो भी किसी से प्यार करती है। किससे? वो नहीं जानता। अरे कोई भी हो, मुझे क्या, संध्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब बस पिताजी बचे। तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी शुरू हो गई ना। जिगरी दोस्त कुछ भी कर सकता है, तूने साबित कर दिया। थैंक्स यार, चलता हूँ। जा जाके किसके चक्कर में फंस गया, मेरी नींद हराम हो गई। मुझसे कुछ कहा क्या? अबे जाना, नहीं तो मार खाएगा। कुछ नहीं कहा। देख क्या रहे हो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन तुमने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। ये क्या अकेले जाओगे? तो क्या छोड़ दूंगी? बताओ तुम्हें प्यार हो गया ना? नहीं। तो बिना प्यार के इतने गुमसुम हो जाओगे? नहीं। तुम्हारे ना कहने पर हम यकीन करें क्या? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है। कहा ना नहीं। अरे ज्यादा परेशान मत करो, वो खुद बता देंगे। बताओगे ना? मैंने कहा ना नहीं। भैया अगर तुम यहाँ ऐसे ही खड़े रहोगे ना तो जिंदगी में कभी बैठ नहीं पाओगे। ए, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अब इसका कोई कारण थोड़ी है जो बताऊं। मेरी बात सुन, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना। ये मैं पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन आपके सामने हिम्मत नहीं हुई। तू शादी से पहले भागने वाला है या शादी के दिन ही भागने की सोच रहा है? पागलों से बातें मत कर, राहुल से तेरी शादी 20 साल पहले फिक्स की थी, ये आज या कल का फैसला नहीं है। उस लड़के के बिना मैं नहीं रह सकता पिताजी। तुझसे पूछ के तो शादी फिक्स की, तब तो हाँ कर दिया था। तुमने मिलकर फैसला कर लिया, मुझे अपने पसंद के साथ जीने की क्या कोई इच्छा नहीं है? मेरी बात सुन, मैं ये शादी करवाना चाहता हूँ ताकि जिंदगी भर खुश रहो। शादी करा के आशीर्वाद देकर तुम लोग तो अपने अपने रास्ते निकल जाओगे, लेकिन जिंदगी भर मैं घुट घुट के जीते रहूं क्या? नहीं पिताजी, आपकी सहमति से शादी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, अगर ये अपनी इच्छा से करेंगे तो हम लोग बीच में क्यों? देखो अभी ऐसा क्या हुआ जो चिंता कर रही हो? तुम भी मेरे आदमी की तरह मत बोलो। बात सुनो, पहले लड़का लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती थी, वो दिन अब चले गए हैं, वो जमाना और था, अब वैसा कुछ नहीं है। मिले हुए 10 दिन होते हैं, 11वें दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर चुपचाप शादी करके आ जाते हैं। देखा जाए तो अपनी शादी के लिए हमारे बच्चे हमारी मंजूरी चाहते हैं, इस बात से खुश होना चाहिए। तुम इस बात के लिए कैसे मान गए? अरे सावित्री, हमने इन दोनों की शादी करानी चाहिए ताकि जिंदगी भर ये दोनों खुश रहें, लेकिन जब इससे ये दोनों खुश नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करें? बच्चों की खुशियों के लिए ऐसा करना कोई गलत नहीं। देखना सब ठीक होगा, बेकार में चिंता मत करो। सबसे पहले उसके मन में कौन है ये बात जानकर उसी से उसकी शादी करा दो। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। 2G स्पेक्ट्रम मामले में आज 4 लोगों को जमानत दी गई। कश्मीर में लगाए गए कर्फ्यू में आज ढील दी गई है और FDI के विरोध में आज पूरे भारत की दुकानें बंद। दिल्ली में 3 आतंकवादी पुलिस की गिरफ्त में। आरुषि हत्याकांड की उलझने और बढ़ी। अरे वाह, तमिल गाना। हाँ सतीश, मैं तुमसे बहुत बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितने पागलों की तरह तुझसे प्यार करती हूँ पता है? हे, ये तो साउथ का हीरो है ना। क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझ में क्या बुराई है?
क्यों मुझसे दूर रहते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं पहले ही किसी और से प्यार करता हूँ। अरे बंद क्यों कर दिया? अबे चुपचाप सो जाना। पता नहीं क्या हुआ इसे, इसका बस चले तो ये टीवी में भी किसी को लव करने नहीं देगा। सपने में लव करूंगा, देखता हूँ क्या करता है। तुम जैसा सोच रही हो जिंदगी उतनी आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ होटल में नौकरी मिली है, और मुझे यहाँ जो पगार मिलती है, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ भला कैसे मांग सकता हूँ। एक काम करो, तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है उससे शादी करके तुम आराम से रहोगी। केवल मेरे लिए बोल रहे हो? हम दोनों अच्छे रहेंगे, बोलो ना। इससे तो मर जाना अच्छा है, मुझे अपने से अलग मत करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जीने का कोई रास्ता नहीं है ये सोचे बिना। जीने के लिए रास्ता हमें खुद बनाना होगा। सोच कर देखो, सब ठीक हो जाएगा। सोच कर कोई अच्छा फैसला लेना। मैं चलती हूँ। चुपचाप उसी से शादी कर ले। यस। ये कार्ड अच्छा है ना? जा के इससे पूछा। कार्ड सेलेक्ट कर रहा है। लवर को देने के लिए हमें खुद लिखकर देना चाहिए। अरे किसी और का लिखा हुआ कार्ड क्यों देते हो? कुछ नया सोचो ना। तू ये सब कब से सोचने लगा? तू बदल गया है। अपना हाथ दो भैया। आज तक ऐसी बात हमने कभी नहीं सुनी। घर जाके प्यार से लिखूंगा, अपना हाथ दीजिए ना। ये कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों भैया, नहीं चाहिए क्या? अरे छोड़ो ना यार, उस इंसान ने इतनी बढ़िया बात कही है, उसके बाद भी भला ये कोई लेगा? मैं घर जाके खुद ही लिखूंगा, देखना वो लड़की मेरी हो जाएगी। नया मॉडल है, चाहिए क्या? बस एक ही पीस बचा है। अभी नहीं। इट्स ओके। ए, तू चल रहा है या नहीं? आ रहा हूं यार। उस बेचारे का धंधा बिगाड़ दिया, तू चुपचाप रह नहीं सकता क्या? ये भी तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ए इधर आ। अरे आना यार। अरे रुकना यार, ये सब चेक करके आ रहने दे, वो लोग देख लेंगे। ए, आराम से यार। अरे मुझे समंदर में मत फेंक देना यार। थोड़ा मेरे नजदीक आना। ये लव करने पर क्या होता है? मैं नहीं जानता। तूने किसी से प्यार किया है क्या? मेरी मौत आई है जो किसी से प्यार करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ में रहकर? हाँ, हालांकि कई सारे ऑफर आए थे लेकिन तुम्हारे डर के मारे मना कर दिया। वो नहीं कह रहा हूं यार। अब जैसे हम लोग सीधे जा रहे हैं, ना? हाँ। तब अचानक कोई बीच में आ जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? कौन बीच में आ गया? कई दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं तो बस एक ही दिन तुम्हारे पीछे आया था, मुझे माफ कर दे यार। अब से मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मेरे ऊपर अपना गुस्सा मत निकालना। इधर आना। मैं नहीं रुकूंगा। मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है। अचानक मुझसे ये प्यार की बात कर रहा है? अगर हाँ बोल देता तो जान से मार डालता। बहुत केयरफुल रहना होगा।
सर आपको क्या चाहिए? यहाँ वो छोटा सा एक सुंदर सा गिफ्ट आपने भी कहा था चाहिए क्या? अच्छा वो तो उसी दिन एक लड़की खरीद के ले गई, बोल रही थी उसके लवर की पसंद है। क्या वो आपकी भी पसंद है सर? दूसरी और भी कई चीजें हैं, देखेंगे सर। भाई हेलो, कौन? गौतम। एक तो मेरा बिजनेस खराब करता है, ऊपर से फोन। इधर देना। हेलो, तुम यहाँ आओगे ये मैं जानती थी, इसीलिए जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैंने पहले ही खरीद लिया। इधर उधर क्या देख रहे हो गौतम? आंखें फूट गई हैं क्या? सॉरी उल्लू का पट्टा बिना कहीं का। सॉरी मैडम, दोबारा ऐसा किया तो मार डालूंगी। सॉरी मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी सॉरी सिस्टर, आई एम वेरी सॉरी सिस्टर। सॉरी 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 सिस्टर। टक्कर क्यों मारी? ऊपर से सॉरी। सॉरी अनजाने में लग गया। I'm sorry. मुंह तोड़ दूंगी। I'm sorry sister. Sorry, माफ कर देना। अरे यार, ये सब तू कैसे कर पाता है? मजा आ गया होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? Sorry, 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 sorry यार। Sorry, sorry, sorry. I'm sorry, sorry, sorry. Okay. हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊँ? इसकी तो। से कम उसके सामने तो मत बोल। एक बार मेरे घर जरूर आना। ओके, अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ। ए। तुम्हारा प्यार कौन है बताया नहीं? बताऊंगी।
उससे तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, बुझे छो? हे भगवान! हेलो गौतम, मैं संध्या बोल रही हूँ। हेलो हेलो, ये कर क्या रहा है? आज एक गैस वाला आने वाला था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, समझ रही हो ना? हेलो हेलो ओफो हेलो, हाँ बोल, मैं गौतम बोल रहा हूँ। आज ठीक 7 बजे छोड़ा रेस्टोरेंट आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओके? भूल मत जाना, ठीक 7 बजे, ओके? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। किसका फोन था? कोई रॉन्ग नंबर था। ये क्या, जब भी तू उठाता रॉन्ग नंबर निकलता? Hey yeah, coming at ya, whoa whoa, coming at ya. Hey yeah, coming at ya, whoa whoa, coming at ya. ये सब क्या है यार? हाँ, तू जान के क्या करेगा, चल उठ। क्यों गौतम भैया, नई सीट लगा दी? भाभी सेट हो गई क्या? तू अपना काम करना।
सुधाकर, मिस्टर सुधाकर। हाँ, हाय, हेलो। ये भी जरा एक किलो डाल देना। ये पकड़ो भैया, चलो चलो जल्दी चलो। अरे अभी सब्जी खरीदी नहीं है। बाद में देख लेंगे। मिस्टर सुधाकर जरा ना बुलाइए ना। सुनिए वो आपको बुला रहा है। अरे तुम चलो ना। सुधाकर भाग क्यों रहे हो, रुको ना। अरे एक मिनट। अरे वो आपको बुला रहा है और आप दूर भाग रहे हो। तुम मेरे साथ जीना चाहते हो या नहीं? अगर उससे मिले तो ब्रेन वॉश करके हमें अलग कर देगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती, चलो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ इन्हें। हाय, इतनी देर तक इंतजार करवाया जाता है, चलो कोई बात नहीं। सॉरी। आई एम सॉरी यार। थैंक यू। वो पेंटिंग बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अच्छा तुमने फोन पे कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। बाप रे, कम से कम अब तो पूछा। ये प्यार करके मैं कितनी मुसीबत झेल रही हूँ पता है? ओह माय गॉड, मैं किससे प्यार करती हूँ, घर में बताए बिना, बाहर बताए बिना, और कितने दिन तक चुप रह सकती हूँ? इसीलिए आज सबसे बता देने का मैंने फैसला कर लिया। क्यों? अरे जल्दी आओ ना। अरे रुको रुको, आता हूँ। ये है अरविंद, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने बोला था ना तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का, वो यही है। Hi, how are you? सॉरी, कंग्रेट्स, बैठिए ना। थैंक्स। संध्या ने तुम्हारे बारे में कहा था, उसने जिद पकड़ी हुई थी कि वो सबसे पहले तुमसे मिलाएगी। ये भी तुम्हारी तरह ही है, प्यार से नफरत करते थे, इनका दिल बदलने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई पता है? हे, चुप रहो ना। और नहीं तो क्या, मैंने कितने फोन किए। तो प्यार करना क्या आसान है? मैं नहीं तो और क्या करती, फोन कर करके टेलीफोन का बिल बढ़ा दिया। सही कहा। अब तुम फोन कहाँ से करोगी, मैं ही तो करूँगा। थैंक्स फॉर कमिंग गौतम, तुमसे बताने के बाद ही मुझे बहुत रिलीफ मिला है ना अरविंद। इसी के लिए तो तुम इतना इंतजार कर रही थी। हे गौतम, अचानक इतने उदास क्यों हो गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारे बीच में मैं क्यों? ऑल द बेस्ट। फोन करती है, लव भी करती है, मुझे बुलाया भी, जाने में पता चला कि वो कोई और है, उसी से शादी भी करने वाली है। कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ, आज इतनी देर तक ऑफिस में हो? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कई दिनों से तुम्हें ऐसे ही देख रहा हूँ, एकदम गुमसुम रहते हो, पढ़े लिखे हो। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, इस बात का फील मत करना। हर घर में कोई ना कोई परेशानी तो रहती ही है ना, वो परेशानी हमें ही दूर करनी पड़ती है। उसके लिए इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? परेशानी ज्यादा बढ़े उससे पहले ही दूर कर दो। हे, देख के चलना। हे, अंधे की तरह गाड़ी चला रहा है और तू उल्टा मुझे बोल रहा है।
क्या बोला? तमी से बात नहीं कर सकता। ए, मुझे क्यों मार रहा है? तुम लोग हो कौन? मुझे क्यों मार रहे हो? शराब पी हुई है क्या? है? नहीं, है? चल फूक मार, चल फूक। अबे फूक ना, फूकता है कि नहीं? तू है वहां? कहां जा रहा है? राहुल से मिलने। वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया। मुझे बताए बिना वो कहीं नहीं जाता है। तो क्या ऑफिस का काम भी बताएगा? जा, जाके अपना काम कर। गौतम भैया नमस्ते। तू कहाँ जा रहा है? राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया ना, गाड़ी ठीक करने दी थी, वो ठीक हो गई, बोलने के लिए आया था। ठीक है, जा मैं बोल दूंगा। ठीक है भैया। ये कैसे हुआ? बाइक चलाते समय मैं नीचे गिर गया। ए! झूठ मत बोल, क्या हुआ था? अरे कहा ना मैंने। अबे बता भी। नहीं जानता, अचानक चार लोग आए, मार के चले गए। तूने कुछ किया था? नहीं। वो कौन थे पता है? ठीक है, हुआ कब था? 2 दिन पहले नहर के पास। मेरी बात सुन, इस बात को यहीं छोड़ दे, बेकार का कोई झगड़ा नहीं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा जीना बेकार है। भले ही आपको अपने बेटे की नहीं पड़ी हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है। चाय बनाओ। दो दिन पहले यहाँ झगड़ा हुआ था। एक दिन में यहाँ 1000 झगड़े होते हैं, इसमें किस झगड़े की बात कर रहे हो? दरअसल शनिवार शाम को एक बाइक वाले को 4 लोगों ने मिलके मारा। वो कौन थे पता है? तुम कौन हो? उसका दोस्त। भैया तुम मुझे दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हो, वो लोग बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। तुम वापस चले जाओ। उसका नाम क्या है? भैया मेरी बात मान लो ना। नाम क्या है? अब जब शनि तुम्हारे सर पे तांडव कर रहा है तो भला मैं भी क्या कर सकता हूँ। ऑटो पांडे। रेस है का?
मुझे मत मारो यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और आइंदा ऐसा कभी काम नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं चला जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे अरे ये आवाज कैसी? अरे पांडे को कोई मार रहा है। जो पैसे लिए थे वो लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो। कौन कौन था? लड़की के बाप ने दिए थे। कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? ये है कौन? अरे ये तो खिड़की क्यों बंद कर रहा है? तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे अरे वो मत उठाना, वो मत उठाना। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं उसे मत तोड़ो। ये क्या कर रहा है? अरे मत कर ऐसा, मत कर। अरे भाई तू तोड़ मोड़ क्यों कर रहा है? तू है कौन? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ जोड़ता हूँ। सब कुछ करके अब हाथ जोड़ रहे हैं। ये छोड़ो, ये तू मार रही है, ये ना छोड़ दो, पागल हो गया है क्या? क्या कहा? यही कि तुम गुंडे हो ना। ए कौन है गुंडा? मैं या तेरा बाप? तू राहुल को गुंडों से बिटवाता है? अरे ना ना, एक ही मेरो ना। क्यों? तेरी बेटी भी तो घूमती थी, उसे मारना। जो ये इस तरह नहीं मारेगा बोलते क्योंकि नहीं? ये तेरी बेटी है। कुछ भी नहीं जानती, ऐसे अनजान बन की बैठी है। तुझे मैं पहले ही जान गया था, वो तो एकदम एड़ा है जो उसने तुझ पे भरोसा किया। घूमते समय अच्छा लगता था ना? तेरे बाप ने किसी अमीर बाप की औलाद देख ली होगी और तू मान गई होगी और कपड़े की तरह लड़के को भी बदल दिया। ये सब और कितने दिनों तक चलेगा मैं भी देखता हूँ। जी तो करता है मैं तुम सबको। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया ना, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ए, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए। क्यों? आप जाकर सो जाइए ना, हम चले जाएंगे। ये यहाँ क्यों? अरे अरे रुक जा, इन्हें कुछ मत करना। छोड़ो, मार डालो, हम सबको जान से मार डालो। तुम किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो? क्योंकि पहले से ही तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें प्यार अच्छा नहीं लगता, ऐसा सोचकर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ए, मेरे बारे में तू क्या जानती है? जानती हूँ, तुम्हारे अंदर भी दिल है जानती हूँ, और उसके अंदर प्यार है ये भी जानती हूँ। तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करने वाले उस राजू को तुमने
उसके प्यार से मिलवाया ये बात भी जानती हूँ। मैंने ही इसे बताया। तुमने मुझे कितना बुरा भला बोला। मैं राहुल को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, पता है? बेटे, मुझे माफ कर देना। किसी और के कहने पर मुझसे ये घोर अपराध हो गया। हालांकि इसमें मेरी बेटी माला की कोई गलती नहीं है। मेरी जगह पर कोई भी बाप होगा तो यही करेगा। यहां तक कि अगर तुम भी होते तो। मुझे अपने राहुल से मिलना है। माला, तुम यहाँ कैसे? ए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, रो क्यों रही है? हाँ? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। माला, प्लीज माला रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, दो दिन में ठीक हो जाऊंगा। रो क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, प्लीज माला। ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोना बंद करो, इनकी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो, रोना बंद भी करो। चुप। तुझे तो ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, कम से कम पेट्रोल तो बचेगा। ये है अरविंद, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने बोला था ना, तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का, वो यही है। ए शकुनी, तुझे ही बोल रहा हूँ, तूने मुझे दुख पहुँचाया है। एक दिन देख लेना, तू भी मेरी तरह प्यार में तड़पेगा। तू सबसे इसी तरह का बर्ताव करता रहे, तू एक दिन देख लेना, अकेला पड़ जाएगा। कई दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। साल बीत गए तुमसे प्यार करते हुए, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर भागते हो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज में ये रोग हर किसी को लगता है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुझसे प्यार करते हो कह दो बस। मेरी बात सुनो, हम आज ये आखिरी बार मिल रहे हैं, कल तुम कहीं और जाओगी, मैं कहीं और, उसके बाद तो मुझे याद तक नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे आसपास रहूंगी। जब तक मुझे चाहने ना लगो मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ तो देखेंगे। तुम कैसे हो गौतम? I still love you गौतम। I love you गौतम। Hey! तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। ना मैं तुम्हें भूल पाऊंगी और ना ही कभी भुला पाऊंगी। अभी भी तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है।
गौतम ये लो, तुम यही ढूंढ रहे थे ना, ये याद है ना? बोल रही थी उसके लवर की पसंद है। तुम्हारे लिए मैं 10 साल भी इंतजार कर सकती हूँ, शायद तुम तब तक मेरे प्यार को समझ लो और मैं तब तक तुम्हें फॉलो करती रहूंगी। और ये मैं तुम्हारी याद में आंखों से लगा रखूंगी। तुझे जिसकी तलाश थी तेरी आंखों के सामने है, छोड़ना नहीं। सॉरी। बस सॉरी? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। कम से कम अब तो हंस दे।